फंक्शन आने वाला है जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं। ये देखिए कोट निकल चुका है यहाँ पे। कोट को समझ नहीं आ रहा है, इनको ड्राइक्लिंग करवाना है। अभी तो इनको खुद को ड्राइक्लिंग करना पड़ेगा। देखो इनकी शक्ल कितनी गंदी हो रही है। तो ये भी कोट निकाला है, ये पूरा तामझाम निकाल रखा है, ये भी निकाल रखा है कुर्ता। और यहाँ पे कुणाल पहन पहन के देख रहा है, देख सकते हैं आप पहाड़ी लौंडा। देख रहा हूँ मैं, फिट आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये भी पहन के देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लगूंगा कुर्ता पजामा। पिछले साल जब इसने कुर्ता लिया था तो ये कुर्ता थोड़ा सा इस पे लंबा था, अभी भी लंबा ही है वैसे तो, ये इतना लंबा नहीं है, ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा सा ना मैं सोच रहा हूँ नीचे से कम करवा दूंगा, इतना तो फ्रेंड्स इतना आएगा ये। हमारी फैमिली में फंक्शन आ रहा है, तो बस कुछ ही दिन बाद आपको फंक्शन अटेंड करने को मिलेगा हमारे साथ एक एक से। तो आप देख सकते हैं हमारा घर चित्र पित्र हो रखा है सारे कपड़ों टोपी से। तो पहनूंगा ना सोच रहा हूँ, है ना, पहन लियो जब है तो। टोपी तो पहनूंगा। टोपी के साथ सुबह चश्मा पहन के घूमेगा? और धूप होएगी, वहां धूप होएगी। सही लग रहा है। क्या करना है पापा? मैं तो सोच रहा हूँ यही पहनूं। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। ये इसको धो देता हूँ, थोड़ा सुखड़ेगा ये। तो फ्रेंड्स देखो कोट पैंटों की लाइन लगी हुई है, समझ नहीं आ रहा कौन सा ले। तो ये नीला वाला भी है, ये वाला भी है। तो ये सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ नीला पहन ले ये वाला। एक रखा काम करो पहन के दिखाओ जरा। हमारी फैमिली में है शादी, ठीक है। तो शादी है, मेरी भतीजी की शादी है, तो उसके चक्कर में हम काफी बिजी हो रखे हैं। और घर में मतलब कि शॉपिंग तैयारी, आपको पता ही है जिस घर में शादी होती है वो घर कितना व्यस्त हो जाता है। मतलब कि मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। और फिर अभी लास्ट मेरे को 5 डेज पहले भी मेरे को फीवर और खांसी ये सब हो गया था, तो मेरे को तो वैसी टेंशन हो गई थी कि अब क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि घर में अगर फंक्शन होता है तो अगर बीमार नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो हर कुछ कर पाते हैं। तो बस वही तैयारियां चल रही है। तो बस पैन पैन के देख रहे हैं कौन सी चीज अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, कौन सा ट्रैकलिंग करवाना है, कौन सा बाहर से लाना है, कौन सा स्टिच करवाने हैं। तो बस सारा दिन आजकल ऐसे ही निकल जाता है। तो बस मैं भी अपना ब्लाउज व्लाउज सब मैंने तैयार कर लिए हैं, अपने सेट कर लिए हैं सारे। तो बस जल्दी हमारे फैमिली में फंक्शन है, तो आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और अनएक्सपेक्ट क्या बोलते हैं, अन 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 अनएक्सपेक्टेड। फ्रेंड्स बताऊं मेरे को इंग्लिश थोड़ी सी जोर लगती है बोलने में, तो इसलिए जोर लग गया थोड़ा बोलने में।
तो बस वही है, मतलब कि आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि कैसी कैसी वीडियो आप देखोगे, बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी, मतलब कि क्या बताओ। मैं आपको अपनी फैमिली दिखाऊंगी, सारी फैमिली, हमारी फैमिली कैसी है, क्या कौन कौन हमारी फैमिली में है, सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स बस अभी जस्ट मैं मार्केट से आई हूँ, तो छोटी छोटी क्लिप जो मैंने बनाई है बीच बीच में वही ऐड करके ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि क्या है टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। अभी भी मार्केट से आई हूँ, कुणाल को कुछ लेना था और मुझे भी ब्लाउज सेट करवाना था, थोड़ा सा टाइट हो रहा था। बस अभी घर पे पहुंची हूँ, अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। जुकाम से ऐसा, और खैर ना ये चीज़ दर्द हो रही है, जुकाम ना थोड़ा पक्सा गया, जैसा होता है ना पहले बहता है फिर थोड़ा सा पक्सा जाता है, वो तो वो ठीक होने के लिए जो होता है ना जुकाम, उसका पेन हो रहा है बहुत सर पे। तो बस फटाफट, देखो मैंने आज बड़ी बिंदी लगाई है, आज मैंने रील बनाई थी दिन में एक, आप लोग रील तो देखते ही नहीं, रील तो मेरी चलती ही नहीं है। रील मेरी तब चलती थी जब मैं यूट्यूब पे 1 साल हुआ था मेरे को, तब मेरी रील दना दन व्यूज आते थे, लेकिन जब से 2 साल पूरे हुए हैं ये रील भी चलना बंद हो गया है। तो फिर भी मैंने बना लेती हूँ, मुझे कभी कभी रील बनाना पसंद है तो मैं रील बना लेती हूँ। तो रील बनाई है तो देख लिया करो रील भी मेरी। तो चलिए मैं खाना की तैयारी करती हूँ, और थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो भी मांज लेती हूँ फटाफट से। इस तरीके से ढेर लगे पड़े हैं स्टिच के कपड़े सारे जो अभी लेके आई हूँ मैं, तो बस इतना ही दिखाती हूँ आपको, बाकी 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 आपको शादी में दिखाऊंगी सब। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए बर्तन कितने ढेर लग रहे हैं। फ्रेंड्स आजकल सर्दियों में ये बर्तन धोने में ना बहुत ही मुश्किल आ रही है, सच बताऊँ मैं। और ये बर्तन धोने हैं फटाफट से अभी, अभी खाने का तो सोचा ही नहीं, बनाना क्या है अब, तो फिलहाल किचन साफ कर लेती हूँ फटाफट से पहले। बर्तन सारे धुल गए हैं, किचन बिल्कुल चकाचक क्लीन हो गई है। सब्जी भी मैंने बना ली है, तो सब्जी में मैंने बनाए हैं आलू सूखे, आलू का भाजा बोलते हैं हम, आलू जो सूखे होते हैं ना उसको मैंने लाल सूखी मिर्च में तड़का लगाया है, बहुत टेस्टी होती है, उसको बना लूँगी। अब मैंने तवा रख दिया है, अब मैं बनाऊँगी रोटी फटाफट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी मूवी चल रही है पठान मूवी, और उसका आनंद ले रहे हैं, और यहाँ ये आनंद हमेशा चलता रहता है। तो देख सकते हैं आप, मूवी देखी जा रही है और कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं है। दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, कुछ करो इन बालों का कुछ करो। फ्रेंड्स ये भी संभाल लें अभी, ये कपड़े लत्ते जो फेंका रखे हैं सारे। चलिए फ्रेंड्स रात हो गई है बहुत, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते रात हो गई थी, और ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत करके वैसे भी करना क्या है, ज़्यादा मेहनत करते हैं वैसे भी वीडियो नहीं चल रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए जैसे मर्जी वैसी व्लॉग बनाओ, वैसी अपलोड करो, और खुश रहो, हैप्पी रहो, क्योंकि जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी धज्जियाँ उड़ जाती है वीडियो की। इसीलिए फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी अब जैसे ही बनाऊंगी वैसे ही बनाऊंगी वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं शीशे में भी आ रही हूँ, पीछे से पीछे शीशा है ना हमारा, वहाँ पे पीछे ड्रेसिंग टेबल तो उस पर दिख रहा है। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, बहुत छोटी वीडियो है देख लेना, और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही।